हेलो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के काफी सारे डाउट्स आपके मन में बन चुके होंगे और उन डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। और ध्यान रखना, परीक्षा से पहले ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर आपने गलती कर दी तो आप मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है जी, परीक्षा से पहले सबसे पहली बात तो ये है, मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करूंगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या क्या आपके पास वहां पर मैटर होना चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको वहां पर बरतनी है ताकि आप अच्छे से परीक्षा दे पाए, क्योंकि बहुत से छात्र वहां पर कुछ गलतियां कर देते हैं, उस रीजन से उनका एग्जाम वहां पर वो हटा दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं एग्जाम सेंटर से ही। ठीक है जी, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर वन पे आपको, सब आप लोग सोच रहे होंगे मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है तो मैं पेपर देने के लिए चले जाऊंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, एडमिट कार्ड में जब आप लोग नीचे साइड में देखोगे तो वहां पर कुछ जरूरी जानकारी वहां पर लिखी है कि इन इन चीजों को आपको यहाँ पर करना है, इन इन चीजों को नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड नहीं लेकर के जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी भी लेकर के जानी है ना। अब आप लोग, सर जी आईडी क्या आई है? आईडी का मतलब मेरा यह है कि आपके पास कोई आधार कार्ड हो, कोई आपका पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कोई भी हो, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ऑफलाइन एग्जाम में पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं तो आपके साथ ये दिक्कत आ सकती है। यदि आपके पास आईडी नहीं होगी तो वहां पर आपको एंट्री भी नहीं दी जा सकेगी, ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखना, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ये पहला मुद्दा हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड होगा ना, एडमिट कार्ड के साथ साथ उसकी भी फोटो स्टेट निकलवा लेना अपने आधार कार्ड वगैरह की, जो भी आपके पास होगा, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी पासपोर्ट वगैरह जो भी हो, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, बस एक चीज। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखनी, एडमिट कार्ड के साथ दो चीज आपको यहाँ पर लेकर, मतलब दोनों चीजें आपको लेकर जानी है, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ। चलो उसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत से छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या क्या लेकर के जाएं वहां पर एग्जाम में। तो सबसे पहले एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया कि आपको कोई भी पेन कॉपी किताब अंदर नहीं लेकर के जानी है। ठीक है जी, क्या कोई भी पेन कॉपी किताब जो भी आपके पास हो, मैटर कुछ भी नहीं लेकर जाना। आपके पास जो हाथ में घड़ी होगी वो भी आपको उतार देनी है, ठीक है ना। तो आप वहां पर खुल्लम खुल्ला एडमिट कार्ड जब आप देखोगे ना, आपके एडमिट कार्ड में आपको दिखा भी दूंगा अभी, है ना, एडमिट कार्ड में क्या क्या गतिविधि लिखी है। उन्होंने कहा कि आपके पास पानी की बोतल हो, है ना, पानी की बोतल हो गया, आपके हाथ में घड़ी, मास्क, कुछ भी है, नहीं लेकर के जाना आपको अंदर, सिंपल जाना है। सिर्फ आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आपका एडमिट कार्ड हो, एक आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अंदर कुछ भी नहीं लेकर जाना है। आप लोग, सर जी मेरे रुपये पैसे हैं, हाँ वो लेकर जा सकते हो, ठीक है, आपके पास रुपये पैसे होंगे, लेकिन पर्स अपना घर रख करके जाना, ठीक है जी। आपके पास अगर पर्स वगैरह होगा तो पर्स आपको घर रख करके जाना है, ठीक है जी। आपने रुपए जो है वैसे जेब में डाल लेने हैं, उनको दिखा दो कि ये सर जी रुपए हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट, मतलब कोई भी आपको ऐसी गतिविधि नहीं करने का, आपको लोग सर जी मुझे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे वहां पर न्यूमेरिकल, तो पेन तो लेकर नहीं भाई, वो सारी सुविधा पेन वैन आपको सब अंदर ही दिए जाएंगे, पेपर कोरा पेपर दिया जाएगा और पेन दिया जाएगा, अंदर ही दिया जाएगा। रही बात पानी पीने की, तो पानी पीने के लिए आपको वहां पर मौका दिया जाएगा, पेपर स्टार्ट होने से पहले वो बता देंगे, जिसको पानी पी करके आना हो पानी पी कर आ जाओ पेपर स्टार्ट होने से पहले। लेकिन पेपर के बीच में कोई भी स्टूडेंट बीच में नहीं उठ सकता, चाहे पानी पीना हो चाहे कुछ और करना हो, ठीक है जी, पेपर के बीच में आप नहीं उठ सकते, पेपर से जो पहले करना है कर लो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये क्लियर हो गया क्या क्या लेकर जाना क्या क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या सेंटर पर हेल्प दी जाती है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर जी मैं पहली बार कंप्यूटर बैठने वाला हूँ, या फिर मैं परीक्षा पहले इससे पहले नहीं दी है, मुझे दिक्कत होती है ऑनलाइन एग्जाम देने में, तो क्या मुझे हेल्प मिलेगी? जी हाँ, 100% आपको वहां पर हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितने, देखो हेल्प कैसे मिलने वाली मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए ध्यान सुना, एग्जाम शुरू होने से पहले, ठीक है, एग्जाम शुरू होने से, मान लीजिए आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, आपका 20 मिनट के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले जो आपके रोल नंबर भरा जाता है ना, मान लीजिए आपको रोल नंबर भरने में दिक्कत आ रही है, आपको डेट ऑफ बर्थ वहां पर जो भी चीजें हैं, मतलब कंप्यूटर आप चला नहीं पा रहे हो, तो शुरुआत में परीक्षा शुरू होने से पहले आपको जितनी भी आपके रोल नंबर है, आपका पासवर्ड वासवर्ड जो भी आपको भर, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है, तो आप वहां पर जो टीचर मौजूद होंगे आप उनकी हेल्प ले सकते हो, और वो हेल्प करेंगे आपको 100%, ठीक है जी, वो हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, तब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, है ना, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, तब आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बस मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको सिर्फ गोले, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में जो भी आपको एक ऑप्शन सही लग रहा है, माउस उस पर लाओ और क्लिक कर दो, वो हरे रंग का हो जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है ऑनलाइन एग्जाम पेपर कैसे दें, वो एक बार जरूर देख लेना, चैनल पर जाकर मौजूद वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है जी। दो चीजें होगी तो वो आपको करनी है, हेल्प आपकी सिर्फ स्टार्टिंग में वो करेंगे, जब आपको कंप्यूटर ऑन करने में दिक्कत होगी, कंप्यूटर चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग से एग्जाम शुरू होने से पहले वो सिर्फ तभी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो हेल्प तो आपको मिल जाएगी, ये वाली हेल्प मिलेगी। उसके बाद सर मैं पहली बार पेपर दूंगा क्या करूं, तो पहली बार जो पेपर देने जा रहे हैं,
पहली बात तो ये घबराना पहली नहीं है आपको। यदि आपको सिस्टम चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप बेझिझक वहां पर बैठ जा, मतलब आपको सीट बता देंगे आपका टीचर, आराम से जाओ क्वेश्चन पेपर दो। यदि आप पहली बार पेपर दे रहे हो, ठीक है जी, और आपको नहीं पता कि कैसे कंप्यूटर चलेगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो घबराना नहीं है आपको। गलती आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, छेड़खानी बिल्कुल भी सिस्टम के साथ नहीं करनी जो वहां पर सिस्टम रखा होगा। इससे आपका नुकसान हो सकता है, हो सकता है आपका पेपर में कुछ गड़बड़ हो जाए, फिर बाद में दिक्कत हो, अबसेंट भी लग सकती है ना। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जब एग्जाम हो रहा होता है तो छेड़खानी करते हैं सिस्टम के साथ, कहीं वो बटन दबाओ, कहीं वो, उसके बाद भाई साहब उनका सिस्टम ऑन हो जाए, ऑफ हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है ना। अब एक बार सिस्टम बंद हो गया तो आपकी तो आईडी फिर चली जाएगी, है ना। तो मामला बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करने किसी सिस्टम के साथ, सिर्फ आपको अपने माउस पर ध्यान देना है, आपका माउस ही है जो भी है वहां पर, ठीक है। तो मेन चीज वो है, शुरुआत में आपको जो भी आपको अपना पासवर्ड वहां पर क्या मांगता है, जब आप लोग शुरुआत में कंप्यूटर पर बैठते हो तो आपका एक मांगता है कि अपना रोल नंबर भरो और अपना पासवर्ड भरो। पासवर्ड अधिकतर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यदि आपको नहीं भरनी आती वो, आपसे कब कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता, तो आप वहां से हेल्प ले लोगे ना, ठीक है जी। बट अपने हिसाब से कोई भी गड़बड़ मत करना, अच्छा जी। तो ये चीजें होगी, अब मेरी सुन लो, मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। देखो नंबर वन पे आता है यहाँ पर 90 मिनट पहले, देखो सवाल जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको 90 मिनट पहले जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। भैया कितने मिनट पहले? 90 मिनट पहले, है ना जी। यदि आपका सेंटर एडमिट कार्ड में खुद लिखा है कि यदि आपका सेंटर कहीं दूर है तो आपको एक दिन पहले आकर के सेंटर को देख लेना है कि क्या यही सेंटर है, मैच कर लेना है। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि आप अपने एडमिट कार्ड, आपका सेंटर तो कहीं और है ना, और चले गए आप कहीं और, तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आपको कहूं कि सर जी क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, बहुत सारे। तो मैं आपको बताऊं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और चारों के चारों सवाल आपको करने अनिवार्य है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली, ठीक है जी। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 75 को सवाल कितने आएंगे, 75 सवाल आएंगे आपके, किसमें 75 सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूं, 75 के 75 क्वेश्चन फोड़ के आने, ध्यान रखना एक भी सवाल मत छोड़ के आना, ठीक है, चाहे आपसे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, 75 के 75 करके आना है किसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ ही नहीं है। यदि आपने दिमाग में ये सब रख रहे हो कि नहीं मैं तो एक काम करूंगा, मैं 50 क्वेश्चन ही करके आऊंगा, बस इससे ऊपर नहीं करोगे मैं से, तो ऐसी भूल मत करना, ठीक है। बाकी के जो बचे सवाल है, हो सकता है मान लीजिए आप वही चीज मैंने पहले बताई है, मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो, है ना, एक बंदा वो है जो 20 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है और एक बंदा वो है जो 20 क्वेश्चन तुक्के से मार के आ रहा है, तो तुक्के वाले में क्या पता इसके 20 में से 10 सही निकल जाए, 20 में से 5 सही निकल जाए, या फिर 20 के 20 सही निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, नंबर फ्री के नहीं मिल जाएंगे। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अपने दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, 75 के 75 सवाल करके आने हैं आपको, ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। अगला जो आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जी वहां पर चश्मा वस्मा जो घड़ी वड़ी है मैंने स्टार्टिंग बता दे कुछ लेकर जा सकते हैं? नहीं भाई, ऐसी कुछ भी आप गतिविधि नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे है ना, रुपए पैसे लेकर जा रहे हो तो वो लेकर जा सकते, देखो रुपया ले जाना अपने ना, रुपये जो है, लेकिन पर्स मत लेकर जाना, पर्स नहीं ले जाने देंगे अंदर, ठीक है, रुपये। उसके बाद क्या आपका एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड, दूसरी चीज होती है आपके आधार कार्ड, या फिर आईडी में लिख रहा हूँ, आईडी में सब आ जाएगा, आपका आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, जो भी आपको पास होगा बोल, ठीक है जी, ये सब करके जाना है ना। उसके बाद क्या सर जी वहां पर चीटिंग हो सकती है क्या? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जी वहां पर चीटिंग होगी, तो चीटिंग भाई चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि देख मेरी बात सुनना, क्योंकि लड़के क्या गड़बड़ करते हैं कि भाई पहले का मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने बैठा है, ये मौका तो आप कभी नहीं छोड़ोगे, आपका दोस्त आपकी बराबर में बैठ गया, आपके पीछे बैठ गया, है ना, इस प्रकार से बैठते, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार सेंटर लगता है, आपको परीक्षा इस प्रकार से दी जाएगी, हो सकता है आपका दोस्त ये बैठा हो और आप ये बैठे हो, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, आप बाजू बाजू में बैठे हो, है ना, लेकिन आप दूसरे सिस्टम में झांक नहीं सकते, क्योंकि टीचर देखो यहां पर इस प्रकार से फिरते रहते हैं, टीचर इस प्रकार से घूमते रहते हैं इस प्रकार से, और कैमरे भी लगे रहते हैं। अब आप लोग सर जी उन्होंने तो पानी की बोतल रख रखी है, तो ये पहले कुछ नियमावली होगी, लेकिन अब नियम कानून सारे चेंज हो चुके हैं, जो खुल्ला खुल्ला एडमिट कार्ड में लिखा है मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो ये गलत बात है, ये करके नहीं जाने आपको, ठीक है जी। और उसके बाद आप कह रहे हो सर जी चीटिंग का क्या मामला है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त कहां पर है, ये आपका दोस्त बैठा है और आप ये बैठे हो, है ना, आप पेपर दे रहे हो, तो आपके कंप्यूटर में जो क्वेश्चन होंगे वो अलग नंबर पे खुलेंगे और आपके दोस्त के में अलग नंबर पे, पेपर सेट सबका एक ही आएगा लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग नंबर पे खुलेंगे। मान लीजिए आपके सिस्टम में वही सवाल दो नंबर पे खुल रहा है और आपके दोस्त के में कितने खुलेगा, 50 नंबर पे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका जो तरीका है ना वो करने का, क्या जी कि भाई पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, आप ऐसे बता नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि सवाल जब आपको अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही आपको अलग अलग दिए, तो ये चीज आपको पॉइंट आपने समझ लिया होगा, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना होगा। लोग एडमिट कार्ड देख सकते हो, मैंने आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ, देखो
जो यहाँ पर सूचना है, जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर नीचे दे रखी है, यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर देखो ना खुल्लम खुला लिख रहा है कि 90 मिनट पहले आपको वहां पर आ जाना है, कैंडिडेट को वहां पर रिपोर्टिंग टाइम कितना, 90 मिनट पहले आपको आ जाना है। ठीक है जी, 90 मिनट पहले आपको कॉलेज पर आ जाना है, उसके बाद आपको जो है आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड हो, जो आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, है ना, कुछ भी आपको लेकर के जाना है ना। और इन्होंने कह रखा है आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफी, है ना, मतलब फोटो आपका होना चाहिए वहां पर। और ध्यान रखना अगर आप ज्यादा करोगे तो एक फोटो भी लेकर के चले जाना, है ना, आपका एक, अगर मेरी बात मानो तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक फोटो भी लेकर के जाना वहां पर, है ना। अगर आपके पास एक फोटो होगा, है ना, आधार कार्ड हो गया, पैन आपका एडमिट कार्ड हो गया, और इसी के साथ एक फोटो लेकर के जाना। हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में कुछ फोटो की दिक्कत करने लग जाए वहां पर, तो आप दोबारा से लगा लो, है ना। तो मेरी बात मानना, एक फोटो जरूर लेकर के जाना याद करके, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है कि नो ब्रेक, यहाँ पर आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। एग्जाम एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, क्लोज कर नहीं कर सकते, चाहे आपके पेट में दर्द हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है जी। एग्जाम अगर एक बार स्टार्ट हो गया, उससे पहले जो आपको करना है कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं, आपकी ईयरफोन हो गया, आपके पास प्लास्टिक है, कुछ चीजें हैं, आपके पास नोट्स है, कोई भी आपके पास पेपर पर्ची है ना, तो बाहर निकाल देना पहले ही। इन्होंने सारी की सारी खुल्लम खुल्ला लिख दिया, ब्लूटूथ वगैरह जो भी आपके पास होगा, हेयर बैंड वगैरह जो लगा कर रखते हैं ना, हेयर बैंड वगैरह कुछ भी, वो सब निकलवा देंगे, घड़ी वड़ी सब इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया है, ठीक है जी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों की कोई भी परमिशन नहीं है, इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिख दिया। तो आई होप आप लोग इन चीजों का जो है समझ चुके होंगे, है ना। मेरे को नहीं लगता कोई इन चीजों को लेकर आपका डाउट हो रहा होगा, तो जो मैंने जरूर जानकारी थी मेरे को बताना, आपको बता दे। बस तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो अपना एडमिट कार्ड लेकर के चले जाना, एक आधार कार्ड, और एक फोटो जरूर लेकर के जाना। बाकी पेन पुन जो भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे ना, वैसे तो ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन हो सकता है एक आधा न्यूमेरिकल आ जाए, आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ जाए, तो पेन आपको अंदर ही दिया जाएगा, ठीक है जी, आपके लैब में। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को एक जरूर कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और उन दोस्तों में शेयर करना जो ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीटी का, अपने आईटी के दोस्तों को जरूर शेयर करना कि भाई ये वीडियो देख लो, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, एक्चुअली दोस्तों धन्यवाद।